शिवसेना और युवा सेना पूर्व नागपुर की ओर से 18 दिसंबर यानी शनिवार को सुबह 11 बजे सड़क पर गड्ढों को लेकर आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व शिवसेना के पूर्व उप विभागीय प्रमुख महेंद्र कथानी और युवा सेना पूर्वी नागपुर के आयोजक नीलेश सतीबावनी ने किया। गड्ढों वाली सड़क पर रिबन काटकर और प्रतीकात्मक सांसद गडकरी, विपक्ष के नेताओं देवेंद्र फडणवीस, विधायक खोपड़े, मेयर दयाशंकर तिवारी, आयुक्त राधाकृष्ण बी, चंद्रशेखर बावनकुए, इनके हाथों गड्ढे युक्त रास्तों का लाल रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। अन्नपूर्णा माता मंदिर यहां स्वागत फलक लगाकर उस पर नींबू मिर्ची का हार डाला गया। अन्नपूर्णा मंदिर कुम्हार टोली से लेकर रांची शिवाजी चौक हिवरी नगर तक पैदल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर गुस्साए नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। वही इस दरमियान युवा सेना जिला प्रमुख विक्रम राठौड़, हरिभाव बनियत, राजेश बंडबूत से छगन सोनवने समेत अन्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। राज्यातील सगळ्या मुद्दे केंद्रीय मंत्री मधून काम करताना जे रस्ते किमान 800,000 कोटीचे असतात ते करण्यात मला आनंद येतो। आमच्या पक्ष तसाही प्रसिद्धीवर जास्त खर्च केल्याने विकास कामे व जनतेच्या गरजावर कमी खर्च केला तरी चालतो। पुढे मनपा निवडणुकी आहेत म्हणून खासदार महोत्सव होणे महत्त्वाचे आहे। लोक या रस्त्यावर मरत आहोत त्याचं काही नाही। तसाही आमच्या इथे चहापेक्षा केटला जास्त गरम आहे। भाजपा युवा मोर्चाचे कार्यकर्तेही जनतेच्या समस्यासाठी आंदोलन करीत नाही। त्यांना आम्ही जसे म्हणू तसे ते चमचागिरी आंदोलन करायला सदैव तत्पर असतात। घरी खायला नाही, अनेकांच्या बायका कामावर जातात। मात्र भाजपा जनता युवा मोर्चाचे भाजपा व कार्यकर्ता सर्वत्र हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मोदी गोदी योगी खेळतात। या रस्त्याचे उद्घाटन करणे हे एक स्मरणीय माझ्या जीवनातील क्षण आहे। पुन्हा असे काही रस्ते असतील तर मात्र बजेट 800,000 कोटीच्या वर दाखवा, मी येईल। आपला नितीन गडकरी, नागपूर लोकसभा सभेचा खासदार। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।